गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 13 करेंगे, मिक्स्ड एंड शेप। हमने डेट डालनी है 20.8.2020। आप अपने पीरियड के अकॉर्डिंग डालेंगे, जिस दिन आपकी क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉटन लेना है। कॉटन को हमने येलो कलर में डिप, येलो कलर लेना है। आपके पास लिक्विड पोस्टर कलर है वो ले सकते हैं, वाटर कलर है वो ले सकते हैं, जो भी कलर है आपके पास आप यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसके पैचेस देंगे कॉटन के साथ। थोड़ा सा वाटर में डिप कर लेंगे उसको और फिर देना है। और अगर आपके पास पोस्टर कलर है लिक्विड वाले तो आपको वाटर में डिप करने देख लेना, अगर ठीक है तभी वाटर में डिप करना, अदरवाइज अगर ज्यादा लिक्विड है तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने ट्री के लिए इम्प्रेशंस बना लेने हैं, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, बस ऐसे हल्का हल्का उसको, पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पानी होगा तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, पानी कम ही होना चाहिए, ज्यादा वॉटरी नहीं होना चाहिए। तो आपने उसको ट्री की शेप दे लेनी है। उसके बाद आपने सारे ट्विग्स के ऊपर आपने पैचेस दे लेने हैं इसके। फिर उसके बाद आपने ब्लू कलर यूज करना है, थोड़ा सा हल्का सा डिप करके, ये ब्लू कलर है। नाउ आई एम टेकिंग ब्लू कलर, आई हैव टू शेड्स ऑफ ब्लू। आपने ब्लू कलर लिया, ये ब्लू और येलो को पहले प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर में मैंने बताया था, ब्लू और येलो को जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रीन बन जाता है। तो हमने ब्लू और येलो को सेम कॉटन में मैंने मिक्स किया है, वो ऑलमोस्ट ग्रीन बन गया है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे तो वो हल्का हल्का ग्रीनिश शेड में बन जाएगा। येलो में अगर हम थोड़ा सा ब्लू लेके उसको येलो में करते हैं मिक्स तो हमारा लाइट ग्रीन बनेगा, पैरेट ग्रीन। अगर हम खाली ब्लू लेते हैं तो थोड़ा डार्क ग्रीन बनेगा, ब्लूइश ग्रीन बनेगा। और अगर हम ब्लू कम होएगा और येलो ज्यादा होएगा तो लाइट ग्रीन बनेगा। चाहे तो आप सेम कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पे लाइट ग्रीन दिया हुआ है, हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ज्यादा वाटरी नहीं करना, ज्यादा वाटरी करोगे तो वो सारा का सारा पेज जो है वो गल जाएगा। वाटर कम यूज करना, इम्प्रेशन देने हैं हमने और वाटर जितना हो सके कम यूज करना। धीरे धीरे शेड लेके आपने कंप्लीट करना है उसको, डिफरेंट शेड चाहिए हमको ट्री में। और देखना बीच में आपने स्पेस भी छोड़ना है, इसमें कम स्पेस है बट आपने बीच में सनलाइट के लिए स्पेस भी छोड़ना है, वाइट स्पेस भी छोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा कम हो तो छोड़ना है, बहुत थिक उसको नहीं करना है। देन वी यूज ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। अभी हम डार्क ग्रीन यूज कर रहे हैं, पहले हमने लाइट ग्रीन लिया था। वाटर ऑलरेडी हमारे पास काफी है शीट पर, इसलिए हम वाटर बहुत कम, इस बार मैंने वाटर में कॉटन को डिप नहीं किया है क्योंकि काफी गीली हो गई है शीट और ज्यादा गीली नहीं, या तो एक एक कलर करके सुखा सुखा के फिर करना, और अगर आपने साथ साथ करना है तो वो मिक्स भी होएगा और शेड भी बनाएगा। तो आप या ध्यान रखना वाटर कम यूज करना, उसमें वाटर आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे।
अगर ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे, बार बार मैं कह रही हूँ कि वो पेज गल जाएगा आपका। तो हमने वो करना, ट्री बनाना है, पेज खराब नहीं होने देना अपना। ये आपका ट्री बन गया, योर दिस पेज इज कंप्लीटेड। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 14। ये हमारा सूख गया है, ये सूखने के बाद ही आपने किस टॉपिक पे आना है। तो इसमें हमने फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने इसमें ऑर्गेमी पेपर ले लिया येलो कलर का। आप लोग के पास जो भी ऑर्गेमी हो उससे बना सकते हैं, आप पेस्टल शीट से भी बना सकते हैं। पेस्टल शीट से आपको एक एक सिंगल सिंगल फ्लावर करके बनाना पड़ेगा। इसमें हम दो फ्लावर भी बना सकते हैं। इसको हम सबसे पहले हमको इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, सीधी साइड से नहीं फोल्ड करेंगे। इस तरह से हाफ कर लिया हमने इसको, हाफ करने के बाद फिर और हाफ कर लिया हमने इसको ऑर्गेमी को। ये स्क्वेयर शीट चाहिए हमको, स्क्वेयर बन गया। फिर हम इसको थोड़ा कट कर लेंगे क्योंकि वो फोल्ड करके हमने काटना है। तो मैं सिंगल पे ही आपको बता रही हूँ, सिंगल फ्लावर कटिंग करके ही आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से हमने एक ऑर्गेमी के चार पोर्शन बना लिए हैं। इसके बाद हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हमने इसको ट्रायंगल बनाया। एक पार्ट को लिया हमने और उसके बाद हमने इसको फिर दोबारा से सेकंड फोल्ड किया। ये हमारा फर्स्ट फोल्ड था, ये हमारा सेकंड फोल्ड है और इसके बाद हमने ये थर्ड फोल्ड करना है। थ्री फोल्ड होएंगे आपके, ध्यान रहे आपको, आपके थ्री फोल्ड होएंगे। थ्री फोल्ड होने के बाद आपने इसे टर्न करना है। ये जो ये साइड है इसमें एक बंद है और ये के दो खुले हुए पार्ट्स हैं और ये जो है ये सारे ही कटिंग वाले पार्ट्स हैं। यहां से हमने शीट को ऐसे करना है, ये इस तरह से ट्रायंगल को है हमारा। यहाँ से खुले हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड है और यहाँ से ये बंद है। ये बंद वाली शेप दोबारा से मैंने बताया आपको, बंद वाली शेप से हमने इस तरह से पेटल की शेप देनी है। इसमें आपको ध्यान रहे सारा पेपर आना चाहिए, ये नहीं कि आधे पेपर छोटे फोल्ड हुए हुए हैं वो आपके कट जाएं। तो इस तरह से हमने ये जुड़े वाले साइड से पूरा नहीं काटना है, यहां से लेके इस तरह से पटल के शेप दे लेते। ये खुलेगा सेकंड फोल्ड में, हमारा ऐसे वी जैसी शेप आएगी। इसको हमने खोला तो ये हमारा फोर पेटल्स का फ्लावर बन गया। ऐसे ही हमने एक फ्लावर और बनाना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हमारा फर्स्ट फोल्ड है ऐसे, फिर ये सेकंड फोल्ड है और उसके बाद हमने ये थर्ड फोल्ड किया। एक बार आपका साइज बन जाता है तो आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका, ये आपने यहां से ट्रेस कर सकते हो इस तरह से। इसको सेम साइज का बनाने के लिए आप ट्रेस कर सकते हो इस तरह से और वो सेम साइज का बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इन दोनों को लेना है और ऐसे इसको ऐसे पेस्ट करना है फेविक स्टिक से। पहले हमने मैमिया लगा रहे हैं, एक बना के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने फेविक स्टिक लगाई, ये हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। उसके बाद हल्की सी फेविक स्टिक और लगाएंगे हम। ये इन दोनों पेटल्स के बीच में, इसकी पेटल जो है वो इन दोनों पेटल्स के बीच में आनी चाहिए। ये हमारी एट पेटल्स बन गई एक तरह से एक फ्लावर की। और इसके बीच में आप मैंने रेड कलर का सर्कल काट के रखा है छोटा सा, ये हमने सर्कल लगा दिया। एक फ्लावर हमारा ये हो गया। साइड के लिए मैंने ऑरेंज कलर के फ्लावर बनाए हैं, कटिंग्स काट के रखी हुई है मैंने।
आपकी मर्जी है, आप जिस भी कलर का फ्लावर बनाना चाहें उसका बना सकते हैं। ये हमारे तीनों फ्लावर्स बन गए हैं सेम स्टाइल से, हमने जैसे येलो फ्लावर बनाया था वैसे ही ये बनाए हैं। कलर कॉम्बिनेशन में इसमें मैंने येलो बीच में लगाया है, इसमें रेड लगाया है, और आप देख रहे हैं ये पेटल्स नहीं मैंने फिक्स किए हैं सबने, सिर्फ सेंटर में ही थोड़ा सा ग्लू लगाना है और पेस्ट करना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।